नमस्कार दोस्तों, एक वीडियो में सुसाइड प्रिवेंशन की बात करते हुए मैंने श्निडमैन के 10 पॉइंट्स की बात की थी जिससे उन्होंने सुसाइड को समझने में हमारी मदद की। आज हम उन्हीं 10 पॉइंट्स को लेकर श्निडमैन ने इसके सॉल्यूशंस क्या दिए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये बताने से पहले मैं एक व्याख्या आपको बताती हूँ। श्निडमैन ने एक अपनी किताब में एक जगह लिखा कि वो आत्महत्या के डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध हो गए और बहुत सारे लोग जिनके मन में आत्महत्या के ख्याल आते वो उनसे कंसल्ट करने लगे। तो एक महिला एक बार उनके पास आई और उसने अपने पर्स में बंदूक बिल्कुल तैयार रखी थी और वो उनके पास आई और उन्होंने पर्स खोलकर उनको ज़रा सा और बंदूक दिखा दी कि ये देखो मेरे पास बंदूक बिल्कुल तैयार है, दिस इज़ ए लोडेड गन और मैं जो हूँ आत्महत्या करने वाली हूँ। तो श्निडमैन ने सबसे पहले कहा कि मैडम कैन आई हैव अ लुक एट योर गन, क्या मैं आपकी बंदूक को ज़रा नज़दीक से देख सकता हूँ। और उन्होंने सबसे पहले तो उस महिला के हाथ से वो बंदूक ले ली, उस बंदूक को लेकर उन्होंने ज़रा सा उसको देखा और फिर उसको अपने पास सुरक्षित रख लिया। उसके बाद उन्होंने आगे की बातचीत उस महिला से की। इससे उन्होंने हमें ये बताया सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि वो एक्शन क्या लेता है, एस्केप करने का एक्शन लेता है, उस एस्केप रूट को आपको ब्लॉक करना है। सबसे पहले आपको आत्महत्या करने वाले व्यक्ति, आत्महत्या के बारे में सोचने वाले व्यक्ति के पास जो पॉसिबल मीन्स हैं आत्महत्या करने के उनको आपको रिमूव करना है। सो यू हैव टू रिमूव द मीन्स। फिर उसके बाद में क्या बात करें, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा बताओ क्यों आत्महत्या करना चाहते हो, क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने अपनी सारी बात बतानी शुरू करी तो बोले कि देखो मेरे साथ ये हो रहा है और उसका भी कोई सलूशन नहीं है, इसका भी कोई सलूशन नहीं है, इसका भी कोई सलूशन नहीं है। तो वो सारी बात सुनते रहे, बोले हाँ इसका भी तो कोई सलूशन नहीं, हाँ सही बात है इसका भी कोई सलूशन नहीं, हाँ। तो अब तुम्हारे पास आत्महत्या तो एक विकल्प है ही, वो तो एक विकल्प है। अब ये देखते हैं कि अगर हम सोचना ही चाहें, अगर हम इस बात को अगर हम देखना ही चाहें कि और सॉल्यूशंस हो क्या सकता है, हाइपोथेटिकल सॉल्यूशंस, काल्पनिक सॉल्यूशंस जो असल में तुम्हारे पास नहीं है पर अगर होते तो कौन से होते, तो जरा उनकी एक लिस्ट हम बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से उन्होंने उस महिला के साथ सॉल्यूशंस के बारे में बात करनी शुरू करी। श्निडमैन ने हमें जो 10 मुख्य बातें बताई थी उसमें से पहली बात बताई थी कि द पर्पस ऑफ कमिटिंग सुसाइड इज टू सीक अ सॉल्यूशन। और वो जो महिला बंदूक लेकर उनके क्लिनिक में आ गई उसके पास पहला सलूशन कौन सा था, एक में सलूशन कौन सा था, अपने आप को ख़त्म करने का। श्निडमैन ने जब सलूशंस की उनसे बातें की तो उन्होंने बहुत सारे अल्टरनेटिव सलूशंस ऑफर किए और लास्ट में उनसे कहा कि चलिए अब इन सलूशंस की ज़रा फेरिस जो हमने लिस्ट जो बनाई है उसको फर्स्ट से लेकर 10 तक रेटिंग करते हैं। और जब उन्होंने रेटिंग की तो 10-15 मिनट की बातचीत के बाद ही 2 सॉल्यूशंस ऊपर आ गए और आत्महत्या 3rd नंबर पर आ गई। केवल इतनी सी बातचीत में जो पहला ऑप्शन था आत्महत्या का वो 3rd नंबर पर आ गया। दूसरी बात उन्होंने जो हमें बताई थी कि गोल क्या है, टू सीज कॉन्शियसनेस, चेतना को ही हम बंद करते हैं, हम चेतना से ही व्यथित हैं क्योंकि हमें इन दर्द जो है वो चेतना में ही तो फील हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि इस कॉन्शियसनेस को सूद करने का आपका काम है। कैसे आप सूद करेंगे, तो अगर आप ज़्यादा प्रश्न करेंगे, अगर आप उनके साथ आर्ग्यूमेंट करेंगे, अगर आप उनको एडवाइस करेंगे, लेक्चर करेंगे तो उनका दर्द बढ़ेगा। तो इसलिए उस वक्त उनको कोई ऐसी बात करे जिससे उनको सुकून मिले, उनको शांति मिले, उन्हें लगे कि हाँ मैं अपनी चेतना से कुछ सूदिंग बात सुन रहा हूँ या महसूस कर रहा हूँ। तीसरी चीज़ उन्होंने हमें ये बताई थी कि
स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस है साइकिक, बहुत इमोशनल पेन है, उनको लग रहा है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, या किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, या किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा उदासी है। इस पेन को समझकर इसको रिड्यूस करने की कोशिश हमें करनी है, ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन है। चौथा, फ्रस्ट्रेटेड नीड्स, उनकी कोई ऐसी ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, उनको कैसे फुलफ़िल करा जाए, इसके बारे में सोचना एक सल्यूशन हो सकता है। पांचवी चीज़ जो उन्होंने हमें बताई थी कि इमोशन जो है यहाँ पर, होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस का जो इमोशन है, नाउम्मीदी का जो इमोशन है, इसमें हमें उम्मीद जगानी है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ होप। हमें ये उनको बताना है कि अभी भी होप कायम है, अभी भी कोई उम्मीद हो सकती है। जो एम्बिवेलेंस का एटीट्यूड है, जिसमें वो ये सोच रहे हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, देखिए वो महिला उनके पास आई तो इसीलिए क्योंकि एम्बिवेलेंट एटीट्यूड था, तो उस ये जो है हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है टाइम बाय करने का। हम वक्त, समय, उस समय उनसे ले सकते हैं, और इसी समय पर हम उनसे दूसरी तरह के सॉल्यूशंस की या अल्टरनेटिव्स की बात भी कर सकते हैं। सातवीं चीज़ उन्होंने हमें ये बताई थी कि उनका, उनके विचार किस तरह के हैं, उनका कॉग्निटिव स्टेट किस तरह का है। उनका कॉग्निटिव स्टेट है इस वक्त कि वो ऑल और नथिंग सोच रहे हैं, या तो ये या फिर आत्महत्या। तो इस विचारात्मक जो स्टेट है, इसको एक्सपैंड करने के लिए, इसको विस्तार देने के लिए, और क्या क्या दुनिया में चीज़ें हैं, और क्या क्या समस्याएं हैं, और क्या क्या हो सकता है, और इससे भी बड़ा क्या है, ये सारा डिस्कशन यूज़फुल हो सकता है। आठवीं चीज़ हमने पहले ही बता दी, एक्शन उनको लेना है, एस्केप करना है, तो एग्ज़िट को हमें ब्लॉक करना है, मीन्स को हमें रिमूव कर देना है उनके पास से। जो वो कम्युनिकेट करते हैं इंटेंट, जो इंटरपर्सनल एक्ट सुसाइड का है, इसका भी हमें एडवांटेज लेना है, और हमें इसके बारे में बहुत सारी बात करनी है। वी हैव टू टॉक टॉक एंड टॉक, और इसी वक्त हमें इस टॉक में दूसरों को भी इन्वॉल्व करना है। ये बात ज़रूर याद रखिए, जिसके भी मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, आप अकेले उसके विटनेस ना बने, कुछ लोगों को ज़रूर उसके अंदर इन्वॉल्व करें। दसवीं जो बात थी कि लाइफ के उनके कोपिंग पैटर्न्स ही उस तरह के हैं, तो इसमें से आप खोजने की कोशिश करिए कि पहले लाइफ में अब तक सक्सेसफुल कोपिंग पैटर्न्स कौन से थे, और उनको एक जरिया बनाकर, उनको एक धागा बनाकर, उसके आगे अब दूसरे कोपिंग पैटर्न सिखाने की हम उम्मीद कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। ये 10 पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं जिनके बारे में श्निडमैन ने बहुत विस्तार से अपनी किताबों में बात करी है, इनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। धन्यवाद।